हूं आपकी मैथ्स की टीचर साबा और हम आज डिस्कस करेंगे कुछ क्वेश्चन हम ऑलरेडी सोल्व कर चुके हैं क्वेश्चन करना है एंड ऑल्सो टॉक अबाउट प्रॉब्लम तो आए चल के आज का लेक्चर शुरू करें फाइव डी के पहले चार क्वेश्चन हम पिछले लेक्चर में कवर कर चुके हैं आज हमने क्वेश्चन नंबर फाइव ऑनवर्ड जो है इस पे फोकस करना है

स्मॉलर यूनिट टू बिगर यूनिट तो हम क्या करेंगे हम डिवाइड करेंगे और हम डिवाइड किससे करेंगे हम डिवाइड करेंगे 12 से 12 से क्यों करते हैं इसलिए क्योंकि एक साल में बारह महीने तो टोटल अगर हमें महीने पता है हमें पता करने है कि कितने साल हैं तो हम उनको बारह से डिवाइड कर देंगे तो आए हम इसको सॉल्व करके देखें फोर्टी नाइन डिवाइडेड बाई ट ट्वेल्थ का टेबल अगर आप रिकॉल करो तो ट्वेल्व फोर्स एट होता है और पीछे one month जो है हमारा वो रिमाइंडर रह गया तो हम फोर्टी नाइन मंथ को किस तरह से लिख सकते हैं हम लिख सकते हैं फोर एंड वन मंथ ये हो गया आपका आंसर फॉर द फर्स्ट पार्ट सी पार्ट को अगर हम देखें 89 मंथ्स के साथ बिल्कुल यही करना है कि उसको 12 से डिवाइड करना है अब हमें पता है कि 12 से आर 84 तो हम इसको इस तरह से लिख के सबट्रैक्ट जब करेंगे 9 4 विल बी 5 तो 7 इयर्स आंसर आ गया पीछे 5 मंथ्स फेयर रह गए तो हम इसको लिख सकते हैं 7 इयर्स एंड

ए पार्ट में आपने मंथ से वीक्स में जाना है बिगर स्मॉलर यूनिट यू विल हैव मल्टीप्लाई और आप देखोगे कि एक महीने में कितने हफ्ते होते हैं एक महीने में नॉर्मली होते हैं चार हफ्ते तो हम इसको फोर से मल्टीप्लाई कर देंगे आर आपका जवाब आ गया फॉर पार्ट ए पार्ट सी में आपसे कहा जा रहा है 98 एट डेज टू वीक्स अब आपने डेज से वीक्स में जाना है स्मॉलर यूनिट टू बिगर यूनिट आप डिवाइड करोगे किस तरह से आप करोगे 98 डिवाइडेड बाय एक हफ्ते में कितने दिन होते हैं सेवन सेवन से जब आप डिवाइड करोगे यू विल रियलाइज सेवन वन सेवन

तो आप पहले सबसे क्या करते हो आप सबसे पहले इयर्स में जाते हो हम करेंगे 1935 को डेज से इयर्स में लेके जाने डिवाइडेड बाय 365 क्योंकि एक साल में 365 डेज होते हैं तो so, 1935 डिवाइडेड बाय 365 फिर आप चेक करते जाओगे 365 1s are 2s are 3s are 4s are 2c के कौन सा जो है इसके करीब आता है तो द नियरेस्ट दैट वी कैन गेट इज 365 5s are एटीन ट्वेंटी ये आप कैलकुलेट कर सकते हो अपनी मल्टीप्लीकेशन से फिर हम जब इसको माइनस करेंगे 5 माइनस फाइव जीरो थ्री माइनस टू इज वन 9 माइनस एट इज वन एंड जीरो अब मेरे पास आ गया है वन टेन एंड दैट इज गोइंग टू बी द रिमेनिंग डेज अब इन डेज को मैं मंथ्स में कन्वर्ट करूंगी बाय व्हाट बाय डिवाइडिंग बाय सो वन विल देन बी डिवाइडेड बाय

Seven twos are fourteen, और पीछे सिक्स रिमाइंडर रह जाएगा तो अप्रोक्सिमेटली फाइव ईयर्स थ्री मंथ एंड टू वीक्स जो है आपके पास आंसर आएगा एंड दैट यू कैन राइट ओवर फाइव ईयर्स थ्री मंथ्स टू वीक्स एंड क्योंकि उन्होंने आपसे नहीं कहा फर्दर डेज वगैरह को एक्सप्लेन करने के लिए तो आप यहाँ पे स्टॉप कर जाओगे और मंथस और वीक्स में अपना आंसर जो है उसको सबमिट कर दोगे तो अब हम चल के देखते हैं हमारे तो अगर हम question number one देखें ठीक है वो स्कूल जाता है रोज जून से ऑगस्ट तक हर दिन ही डिड नॉट गो फॉर फोर संडेज ईच मंथ लेकिन हर महीने में सिर्फ चार संडेज हैं जिनपे वो स्कूल नहीं जाता तो वो आपसे पूछ रहे हैं कि उसने टोटल कितने दिन स्कूल अटेंड किया पहले आप कैलकुलेट करोगे कि इन तीन महीनों में जून जुलाई अगस्त जिनमें वो स्कूल गया है टोटल कितने डेज हैं? एक महीने में होते हैं दिन दिन ये हैं तीन महीने तो तीस दिन जो है उसको आप तीन से मल्टीप्लाई करो थर्टी इंटू थ्री आपके पास आ जाएगा नाइंटी तो टोटल तो 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 नाइंटी डेज जो है वो बनते हैं इन तीन महीनों में जिसमें ही वेंट टू तो स्कूल एवरी डे एक्सेप्ट चार संडेज हर महीने फोर मंथ कितने महीने हैं? जून जुलाई अगस्त। तीन महीने हैं तो अगर चार संडे एक महीने में है तीन महीनों में आप चार को तीन से मल्टीप्लाई करोगे which is 12. तो बेसिकली नब्बे दिन टोटल थे उन तीन महीनों में उनमें से बारह दिन उसकी छुट्टियां हुई हैं, तो बाकी जितने दिन रह गए वो दिन वो स्कूल गया तो आप नाइनटी माइनस ट्वेल्व करोगे तो आपका आंसर क्या आएगा इट विल बी सेवेंटी एट दैट इज योर आंसर इतना सिंपल था तो अब हम इसको लिख सकते हैं ही वेंट फॉर सेवेंटी एट डेज दैट विल बी योर आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर वन क्वेश्चन नंबर टू है जावेद प्रैक्टिस कराटे टू आवर्स एवरी डे फॉर थ्री वीक्स नंबर ऑफ आवर्स ही प्लेड और प्रैक्टिस ऑल टूगेदर अब वो क्या करता है वो रोज दो घंटे प्रैक्टिस करता है तीन हफ्ते तक के लिए आपने बताना है कि उसने टोटल कितने घंटे प्रैक्टिस की है हम किस तरह कैलकुलेट करेंगे दो घंटे वो रोज करता है एक हफ्ते में कितने दिन होते हैं सात दिन तो दो घंटे के लिए वो पूरा हफ्ता रोज प्रैक्टिस करता है तो हम टू को सेवन से मल्टीप्लाई करेंगे इस तरह के तीन वीक्स तक उसने प्रैक्टिस की है So मल्टीप्लाई किया तो हम जब इसको सॉल्व करेंगे टू इंटू सेवन वुड बी फोर्टीन फोर्टीन इंटू थ्री वुड बी फोर्टी टू तो हमारा आंसर आएगा फोर्टी टू आवर्स इसको हम जाके लिखेंगे किस तरह से आए देखें तो आप अपना आंसर कुछ इस तरह से फ्रेस करोगे कि ही प्लेड फॉर और ही प्रैक्टिस फॉर फोर्टी टू आवर्स इन दिस होल टाइम इस तरह से हमने क्वेश्चन नंबर टू को भी एड्रेस कर लिया आए अब हम देखें क्वेश्चन नंबर थ्री अब एक गार्डनर है उसके पास टोटल सैपलिंग्स। सैपलिंग्स बेसिकली उसके पास छोटे छोटे प्लांट्स हैं जिनसे उसने और प्लांट्स उगाने हैं सो ही हैज टोटल सैपलिंग्स ऑफ 64 टोटल सैपलिंग्स जो उसके पास हैं वो हैं Samples per day from 10th September 10th September से उसने शुरू किया है और उसने रोज आठ किया है उनको लगाया है पौधों के अंदर अब वो वो कह रहे हैं कि कब तक सारे पौधे जो खत्म हो जाएंगे टोटल सिक्सटी फोर है रोज वो आठ लगाता है तो हम सिक्सटी फोर को आठ से डिवाइड करेंगे हमें पता चलेगा कि कितने दिनों में वो मुकम्मल कर लेगा सो वेन वी डिवाइड दिस सिक्सटी फोर डिवाइड बाई एट क्या होता है एट बिकॉज़ इट 8 64 तो 64 डिवाइड बाय 8 इज 8 अब हमें पता है कि 10th सितंबर को जब उसने वो सैपलिंग्स लगाई हैं और 8 दिन तक उसने उनको लगाना है तो एन वो कब करेगा हम इसके हिसाब से देखेंगे 8 दिनों तक आप जाओगे 10th 11th 12th 13th 14th 15th थ एंड सेवनटींथ तो आठ दिन तक उसने सेपलिंग लगानी है फर्स्ट डे सेकेंड डे थर्ड डे फोर्थ डे फिफ्थ डे सिक्स डे सेवेंथ डे एंड एट्थ डे सेवेंटी तक उसकी सारी सेपलिंग जो है वो खत्म हो जाएंगी सो दे फिनिश ऑन सेप्टेंबर